उपमंडल के ग्वाला गांव के एक जनप्रतिनिधि मंडल ने विधायक प्रकाश राणा को बताई अपनी समस्याएं। जोगिंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत लड़भड़ोल के अंतर्गत आने वाले ग्वाला गांव के एक जनप्रतिनिधि मंडल ने विधायक प्रकाश राणा के निजी कार्यालय गोलवा में विधायक से भेंट की। इस अवसर पर गांव की मांग पर विधायक ने 30,000 लीटर का एक जल भंडारण टैंक बनाने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए। विधायक ने महिला मंडल भवन की मुरम्मत हेतु भी 30,000 रुपये देने की घोषणा की। विधायक ने कहा कि गांव ग्वाला की हरिजन बस्ती को भी सड़क की सुविधा देने के लिए हम तत्पर है, परंतु वहां पर उनका आपस में तालमेल न होने की वजह से जमीन का विवाद चला हुआ है। जैसे ही गांव वासी इस जमीनी विवाद को हल कर लेते हैं, प्राथमिकता के आधार पर गांव ग्वाला की हरिजन बस्ती को सड़क सुविधा दे दी जाएगी। विधायक प्रकाश राणा ने ग्वाला नैला गांव वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आपका जो एक सिमंस नैला ग्वाला होकर सड़क जो गुजरती है उसके लिए भी हमने 3-4 करोड़ रुपए की स्वीकृति नाबार्ड के तहत ले ली है। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही इसका भी कार्य तुरंत शुरू करवा दिया जाएगा। माता सिमसा के नवरात्रों में इस सड़क को एक तरफा कर दिया जाएगा। नवरात्रों के समय श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से गाड़ियों का जाम सिमंस गांव में लगता था, उससे भी श्रद्धालुओं को निजात मिलेगी। ग्वाला में जो है एक हरिजन बस्ती है और इनकी काफी डिमांड है इस रोड की, काफी सालों से डिमांड चल रही है, क्योंकि मैं भी जब से विधायक बना इनकी ये डिमांड है कि वो हरिजन बस्ती को भी जो है रोड मिले। पर मैंने काफ़ी कोशिश की, इनके आपस के डिस्प्यूट हैं वहाँ पर जगह को। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप जगह को क्लियर कर दो और मैं बड़ी जल्दी वहाँ पर हम रोड बना देंगे। हम उसके लिए धन की कमी नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि हरिजन बस्ती को रोड मिले, लेकिन ये आप लोगों के ऊपर है मेरे भाइयों, आपस में जो आपका डिस्प्यूट है उसको सही करो। जो लोगों की अपनी जगह आ रही है उसको आप थोड़ा सही कर दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूँ, क्योंकि वो बस्ती को भी हरिजन बस्ती को भी जो है मुझे लगता है कि उसको उनके लिए बहुत जो रोड की बड़ी भारी जरूरत है। कभी भी उनके भी बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गाँव के प्रधान भी यहाँ खड़े हैं, आप इसको सॉल्व करो। जो इनका डिस्प्यूट है थोड़ा सा ही है, लेकिन उनको भी समझाओ, वो भी आपके ही गाँव के, तो मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि उसको आप सोल्व करो, हम उसको भी रोड को उनको बना दें जो हरिजन बस्ती आपको जो पड़ेगी। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से नहीं है। जोगिंदर नगर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट।